नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल उधमपुर। मैं हूं रशपाल सिंह। आज मैं लेके आया हूं आपको जिला रियासी के ब्लॉक बमाग पंचायत साड़ी में। मैं आपको बता दूं कि जिला रियासी से 40 से 50 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर जिला उधमपुर की बात करें तो 80 से 90 किलोमीटर दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त एक बगीचे में मौजूद हूं और मेरे साथ इस बगीचे के मालिक भी मौजूद हैं। ज़्यादा बातचीत उन्हीं से करेंगे, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये एक दूरदराज इलाका है और इनको किस तरह से इस फील्ड में आने का इंटरेस्ट पड़ा और किस कितने की कौन कौन से जो है फ्रूट्स वगैरह इन्होंने इनकी तरफ से जो है तैयार किए गए हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रशपाल सिंह है। मैं तहसील बमाग पंचायत साड़ी का रहने वाला हूँ। रशपाल जी, ये बताएं कि कब से आपको इस चीज का इंटरेस्ट पड़ा? जिस तरह से हमने देखा जहाँ पर काफी सारे सेब हैं, अलग अलग वैरायटीज आपने तैयार की है, तो किस तरह से आपको जो है इंटरेस्ट पड़ा इस चीज में आने का? जी, मुझे तो अभी 2-3 साल हो रहे हैं जो इस फील्ड में आए हुए। जो मेरे डैडी हैं उनको बहुत 15 से 20 साल हो गए। उनने पहले भी बहुत सारी प्लांटेशन करी हुई है और उसका ये रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छी अच्छी अगर हम वैरायटीज लगाएं अगर, तो उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जो इंटरेस्ट की बात करी आपने, वो तो हम मैंने मतलब आज से 3 साल पहले मतलब कुल्लू में गए थे हम, या हिमाचल में देखा, वहाँ पे उन्होंने अल्ट्रा हाई नेस्टी की प्लांटेशन करी हुई है बहुत पहले की, जो फॉरेन की वैरायटीज है। और यहाँ पे जो यहाँ की जो लोकल वैरायटीज है उसका तो हमें बेनिफिट मिलता है, पर बहुत 10-15 साल के बाद मिलता है। और जो अभी अल्ट्रा हाई नेस्टी या हाई नेस्टी प्लांटेशन है उसमें हमें बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है, 3-4 साल के बाद। अगर उस पर हम काम करें तो थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। यहाँ पे तो ये पहला नंबर तो हमें पानी की प्रॉब्लम है, पानी तो बहुत कम होता है जो इरिगेशन के लिए प्लांट्स को प्रॉपर चाहिए होता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे अगर हमें एक तो रोड नहीं है, अगर जिसके बाद अगर हमें कोई इसका प्रॉफिट मिल जाए तो वो मार्केट में मिलता है प्रॉफिट मिलना हो, तो यहाँ पे रोड नहीं है। रोड की फैसिलिटी ना होने की वजह से हमें यहाँ से पहले उधमपुर लो, अगर उधमपुर से फिर अगर कटरा लेना हो तो फिर उधमपुर से फिर कटरा, अगर यहाँ से 7-8 किलोमीटर का जो गैप है, जो गब्बर से सुजनदार, अगर ये गैप अगर नहीं होता तो हमें उसका बहुत ज़्यादा फायदा था और 2-3 घंटे लगते हैं और यहाँ से 7-8 घंटे लगते हैं। रशपाल जी, एक चीज मैं और जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कितने आज तक जो है आपने सेब लगा लिए हैं, कि और भी आपने फ्रूट्स लगाए या सिर्फ सेब की खेती करते हैं? नहीं, और भी फ्रूट्स लगाए हैं, जैसे जापानीज पर्सिमोन है, एप्रिकॉट है, और इन चीज़ों का भी अच्छे से प्लांट लगाए हुए हैं, 300-400 प्लांट होगा। और जो सेब का जो पहले का प्लांट्स लगा हुआ है वो 400-500 ये होगा। और फिर हमने हिमाचल से लाई कुछ वैरायटी, कुछ श्रीनगर से मंगाई थी और कुछ डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, जो 200-250 प्लांट का एक प्लाट होता है, वो हमने एक दो प्लाट लगाया हुआ है और उस सारे लगभग हमने कोई 1500-2000 पेड़ लगाया हुआ है। और जो अखरोट का पेड़ है वो भी हमने 400-500 पेड़ अखरोट का लगाया हुआ है। जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर आपका ये इस वक्त हम देख रहे हैं अभी तैयार होने पे है, जब अगर आपका ये सेब तैयार हो जाता है तो फिर मार्केटिंग किस तरह से करते हैं आप? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे अगर आने वाली है जो फ्यूचर में, तो ये प्रॉब्लम मार्केटिंग की है, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है और ना हमारे पास कोई कोल्ड स्टोर है। उसको अगर हम सेव करके रखें अगर अंदर, तो टाइम टू टाइम चलो जितनी अब डिमांड होगी मार्केट में, जहाँ थोड़ा बहुत जितना थोड़ा थोड़ा निकाल के हम उसको सेल कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे हमें ना हमारे पास कोई कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी है, ना हमारे पास कोई रोड की फैसिलिटी है, तो यहाँ से मार्केट में पहुँचाना तो सबसे बड़ी दिक्कत वही है आने वाली जो टाइम पे है। अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट करा हुआ है, पहले के हैं तो ये तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, पर अगर फ्यूचर में हमने इतने ज़्यादा प्लांट की प्लांटेशन कर रहे हैं हम, तो उसका बेनिफिट हमें जो है वो अगर तब भी मिलेगा अगर जब ये रोड होगा, और रोड नहीं होगा तो हमें कोई उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है प्लांटेशन करने का। और जो आगे यहाँ के लोग हैं जो बागवान होंगे, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, अगर कोई यंग जनरेशन से है या ओल्ड जनरेशन से है, अगर कोई काम करना चाहेगा इस पर, तो सबसे पहले तो हमें उस रोड की ज़रूरत है। रोड होगा मैं और जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप जंग हैं और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए जो है दर बदर की ठोकरें खाती आ रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इस फील्ड में आने की इंटरेस्ट उनका बने तो किस तरह की, अगर जमीन की बात करें तो अगर स्टार्टिंग करनी हो तो कितनी जमीन चाहिए एक किसान को, कितनी जमीन चाहिए अगर मीडियम बेसिस पे जिस तरह से?
देखो, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो उसको एक नाल की जरूरत है। जो आजकल अल्ट्रा हाई इंडस्ट्री आई हुई है उसमें लगभग 110 या 160 प्लांट्स एक नाल में लग जाते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, पर उसमें 110 लाख 10 हजार इन्वेस्टमेंट होगी उस एक नाल में, ठीक है। उसके लिए जमीन की ज्यादा जरूरत नहीं है, जमीन अगर दो कनाल भी होगी उसमें बहुत सारा प्लांट्स लग सकता है, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर यहाँ के हम देख सकते हैं कि यहाँ के लोग थोड़े गरीब हैं, या फिर भी उनको इतने ज्यादा उनको हिम्मत नहीं पड़ेगी, यहाँ के पानी उसके लिए ड्रिप इरीगेशन होती है तो ड्रिप इरीगेशन के लिए पानी चाहिए और वो है नहीं, या फिर कोई अगर यहाँ पे पॉन्ड वगैरह बनाए तो उस चीज का भी बहुत फायदा होता है। अगर पॉन्ड हो तो फिर उससे बंदा पानी लेके रिपेरेशन कर सकता है, पर जब पानी नहीं होगा तो फिर उस चीज का हमें कोई फायदा नहीं ना, पॉन्ड वगैरह बनाने का जब पानी नहीं है। सबसे पहले उसके लिए पानी चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट तो पहले होगी होगी। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जिस तरह का हमने देखा है काफी दूर दराज इलाका है, रोड की भी खस्ता हालत है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की तरफ से आपको कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं या उनके द्वारा कोई जहाँ पर कैंप्स वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि जो गाँव के लोग हैं उनमें अवेयरनेस आए और इस फील्ड में जो है पढ़े? देखिए, अगर कैंप वगैरह तो लग रहे, कैंप वगैरह तो नहीं लगे, मैं ये नहीं कहता कि कैंप वगैरह गाँव में लगे, पर चीफ हॉर्टिकल्चर साहब यहाँ पे अभी आए थे तो उनने बहुत सारी लोगों को इंस्ट्रक्शन दी कि मक्की की जगह आप ये एप्पल की प्लांटेशन करें। 2-3 साल थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए भूखे भी रहना पड़ता है, पर जो अगर फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर में बहुत बेनिफिट है। आप मक्की की थोड़ा करें, पर उस चीज़ का थोड़ा उस एग्रीकल्चर फील्ड में थोड़ा कम जाएं और इस फील्ड में ज़्यादा है, उनका तो ये कहना था। और यहाँ पे कैंप की बात करें, अगर कैंप लगाएं भी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोग थोड़ा अपना इंटरेस्ट शो करें, अगर तो आके तो वो तो है, पर मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत जो कम में इधर इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है, कभी उनको समझाया नहीं कि इस चीज़ का इतना बेनिफिट है, आप इसकी प्लांटेशन करें। जो पहले के ऑफिसर थे वो तो अभी आए नहीं, और अभी तो काम चल रहा है आपकी, अब तो आपको पता ही है, फिर गवर्नमेंट भी ऊपर से दबाव डालती है तो फिर उनको काम तो करना ही पड़ेगा। जी पुष्पाल जी, आखिरी मैसेज क्या रहेगा युवाओं के लिए खासकर? और एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह का हमने आपका बाग देखा, बगीचा देखा, काफी हद तक जो है, कितना समय आप इस बगीचे को देते? जी समय तो देना ही पड़ता है, समय के बिना तो कुछ है नहीं जिससे हम कुछ फायदा उठा सके, समय तो देना ही पड़ता है। और जो आपने अभी जॉब मतलब जो काम बाग की बात करी, तो जो आने वाली जनरेशन को मेरा यही मैसेज है कि आप खुद इस फील्ड में आएं, इंटरेस्ट शो करें, और गवर्नमेंट से बहुत सारी सब्सिडी वगैरह बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, हमने खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, एक गरदौरी नकल होती है वो देनी है और एप्लीकेशन दे के प्लाट मिल जाता है, और उसको ऊपर से उसकी खुदाई करने के उसके अलग से पैसे मिलेंगे उनको, उसकी भी कोई उनको जो चिंता नहीं करने की है, पर सिर्फ इंटरेस्ट शो करें और काम करने की कोशिश करें कि आने वाले टाइम में जॉब की जरूरत ना पड़े, जॉब के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े, खुद 5-7-10 बंदे खुद बंदा काम पे रख सकता है, उस चीज का इतना ही बेनिफिट है। और अपना अपना इंटरेस्ट शो करें, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो आने वाले जो फ्यूचर है उसमें अगर एक बंदा खुद इस वक्त जो है इनिशिएटिव लेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2-4 लोगों को जॉब भी दे सकता है। जी हाँ बिल्कुल दे सकता है, उसमें कोई नहीं है, अगर जिस बंदे के पास ज्यादा जमीन है वो तो फिर एक बंदे को नहीं, वो 20-25 को भी रख सकता है, बहुत सारी इधर लोगों के पास बहुत सारी ज्यादा जमीन है, और इसके लिए ज्यादा मैंने आपको बता दिया पहले कि ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है उस पर, और फिर उसका उस पर काम करने की जरूरत है, काम तो करना पड़ेगा, 4-5 साल मेहनत करना पड़ेगी फिर ही फायदा होगा। ये कहने का मतलब नहीं कि जैसे लगा दिए और बस अब ये फ्रूटिंग कर देना शुरू हो जाएंगे, और आपने खुद देखा कि अच्छी बहुत अच्छी ज्यादा फ्रूटिंग हुई है, बोलते हैं कि 3rd साल होती है, पर नहीं, ये प्लांट है जो अच्छी वैरायटी हो तो वो हर साल हो सकती है, जैसे बाहर से 0 माइन वगैरह लाए, अगर वो तो हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड है और हायर एल्टीट्यूड पे हमारी जमीन है, वहाँ पे भी हमने प्लांटेशन करी हुई है रूट स्टॉक वगैरह की, तो वहाँ पे रूट स्टॉक के लिए भी ज़्यादा मतलब पानी की जरूरत है, पर वहाँ पे अभी तो है नहीं कोई अवेलेबल सुविधा जो है पानी की, पर बहुत सारा फायदा हो सकता है फ्यूचर में, इसी का यही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रशपाल सिंह जी, और इन्होंने जो है ज़्यादा जानकारी दी हमें, पूरा जो है डिटेल में हमें बताया कि किस तरह से इनको इंटरेस्ट बना। इनके जो है पिताजी जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन आज वो जहाँ पर मौजूद नहीं थे, और इनका भी जो है 2-3 साल से लगातार इसी जो है फील्ड में इंटरेस्ट बना हुआ है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो कुल्लू मनाली गए थे, जिस वहाँ से जो है इंस्पायर हुए, और जहाँ पर आकर इन्होंने भी जो है इस फील्ड में जो है काम स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं हमने पहले भी आपको दिखाया था कि जहाँ पर जो रोड की है वो खस्ता हालत है। अगर हम जिला उधमपुर से बात करें तो वो जहाँ पर जहाँ तक रोड जरूर आता है, लेकिन उसकी जो खस्ता हालत है उसकी भी अब आज तक जो है ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई। अगर जिला रियासी की बात करें हम, तो वो सुजनधार तक ही रोड आता है, बीच का जो 8 किलोमीटर का टुकड़ा है वो आज तक नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जहाँ के जितने भी किसान हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीछे रह जाते हैं कि अगर हमारा कल जो भी फ्रूट्स जो तैयार होगा उसे हम सेल किस तरह से करेंगे। ये एक चिंता भरी बात जरूर रहेगी इनके लिए, और इनकी यही एक डिमांड है कि अगर रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो जहां पर जितने भी किसान हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं और अपना जो है घर परिवार चला सकते हैं। आप देखते रहें जेके चैनल उधमपुर। नमस्कार।